योग्यता में भी ज्वाइन कर लिया भाई। ठीक है, चलिए नाउ स्टार्ट ओमकार थ्राइस, देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास। ओके, टाइम हो गया है, ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। ओम साई राम। राइट, सो नाउ अगेन वी विल डिस्कस, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रॉपर्टीज, ओनली वन प्रॉपर्टी इज लेफ्ट, है ना, एम आई राइट? कौन सी बाकी रहेगी प्रॉपर्टी, कोई बताएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव? If A, B and C are three rational numbers, and A multiplied by B plus A multiplied by C can also be written as A multiplied by B plus C, or A multiplied by B minus A multiplied by C can also be written as A multiplied by B minus C. कुछ तो गड़बड़ बोल रहे हो आप। Can I write in the chat box? हाँ, ओके, राइट इट सर। कैन आई टेल द प्रॉपर्टी? हाँ सर, इफ एनी रेशनल नंबर ए बी सी, ए ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड? यू बोथ आर टेलिंग मी ओनली लेफ्ट हैंड साइड। व्योम कंप्लीटेड योर एक्सप्रेशन? हाँ, अच्छा, व्योम हैज रिटन लाइक दैट ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सर। संदेश, यस संदेश, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन दैट इज फॉर एनी थ्री इंटीजर ए बी सी वी हैव a multiplied by b plus c equals to a into b plus a into c. Sandesh, very good. But one thing, we are in class 8 and we are discussing chapter number 1. The heading of the chapter number is what is, Sandesh? Rational number. Numbers. So whatever we will discuss only on rational numbers. So in place of integers, you should correct it and tell it to rational numbers. Wait, let A, B and C be three rational numbers. Right, such that A into B plus C is equal to A into B plus A into C, or A into B minus C is equal to A into B minus A into C, then this is known as the distributive property of multiplication over addition, first one, and second one we can say that over subtraction. Okay, so this is the distributive law. Distribute ho gaya, A is distributed inside the bracket. And yes, Sarakshi is there or not? Yes, sir.
हाँ साराक्षी बताइए, बट अबाउट दिस वन, ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन दिस, हाउ टू राइट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ए? सर कहना सर, मैं साराक्षी, साराक्षी साराक्षी को बोलने दीजिए. यस साराक्षी, नो आइडिया. चलो एरा सर, कैन कैन आई? नहीं ये बोलेगी न्यू न्यू गर्ल एरा. हाँ बोलो बेटा. यस सर, सर आप प्लीज वो एक क्वेश्चन देख सकते हैं? यस सर. हाँ बोलो. ए इनटू बी प्लस ए इनटू सी प्लस ए इनटू डी प्लस ए According to her, she is telling me that can be distributed like that, A into B plus A into C plus A into D plus A into E. Okay, and this is known as the distributive property of multiplication over addition. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल B और C बस में हम जितने भी नंबर्स अंदर होंगे वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, है ना. क्लास सिक्स एंड सेवेंथ में भी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है. दिस इज नॉट अ न्यू वन. ओके, वहां पर आपने इंटीजर्स के लिए इसको पढ़ा हुआ है, राइट. तो ये इस प्रॉपर्टी को हम आगे इस पर सिंप्लीफाई करते हैं और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन करते हैं इनको देखते हैं, ठीक है. चलिए आइए अब एक्सरसाइज पर आइए. सारी प्रॉपर्टीज मैंने ख्याल से मैंने बता दी आपको, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर वन. हमने उस दिन आपसे बोला था यू योर सेल्फ विल गो थ्रू दैट एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ. एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ आपने किया क्या? यस सर. अच्छा आपको समझ में आया? यस सर. अच्छे से समझ में आ गया? यस सर आ गया. केवल सौम्या को आया क्या? सौम्या बस बोल रही है क्या? देखिए हम इसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि इसके ही बेस पर क्वेश्चन नंबर सेकंड और एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट हैं. देखिए क्या बोलता है, इसको सॉल्व करना है क्या. फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 by 5 into minus 3 by 7 minus 1 by 14 minus 3 by 7 into 3 by 5. Okay. So, देखिए how to solve this one. This is equal to, we can write, अब हमको एक तो मेथड होता है कि हम इसका मल्टीप्लाई कर लें, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर 3 एंड माइनस 2 5 एंड 7 और एलसीएम ले लें और सिंपलीफाई कर लें. बट एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास कि वी विल नॉट सॉल्व लाइक दैट. हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको इसमें क्या कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है प्रॉपर्टीज जो एप्लीकेबल हैं उनको अप्लाई करना है और सॉल्व करना है. तो देखिए उसने जैसे किया हुआ है कि हम देखते हैं इसमें सेम नंबर जिसमें हम इनको साथ में रखने की कोशिश करते हैं. जैसे देखिए वहां पर उसने क्या हुआ है, किसको, एक इस नंबर को और इस लास्ट वाले को पहले लिखा. दैट इज हम लिखते हैं इसको 2 बाय 5 इंटू माइनस 3 बाय 7 माइनस 3 बाय 7 इंटू 3 बाय 5 माइनस 1 बाय 14. इफ यू गिव प्रॉपर अटेंशन हियर एंड ऑब्जर्व द क्वेश्चन राइट माइन्यूटली देन यू कैन ऑब्जर्व दैट कि मैंने कहीं भी साइन चेंज नहीं किया है. कोई साइन चेंज हुआ क्या? नो सर. कोई भी साइन नहीं चेंज हुआ. तो क्यों नहीं चेंज हुआ इसका साइन सर? क्योंकि नंबर वही है.
नहीं नंबर्स देयर बिकॉज़ वी यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कोई रीजन साइन इसलिए नहीं चेंज हुआ है बिकॉज हमने इसको इक्वल के ये राइट हैंड साइड में लिखा है तो पूरा राइट हैंड हमने इसकी साइड नहीं चेंज की है ना हमने कहीं इसकी साइड नहीं साइन कब चेंज होता है जब हम इक्वल के राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं लेफ्ट से राइट में लाते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ एर्थ बी या एर्थ ए एर्थ ए में हम आपको कहीं भी बैठा लें आइदर इन द फर्स्ट डेक्स और इन द लास्ट और इन द मिडिल और इन द कॉर्नर कहीं भी हम आपको बैठा लेते हैं ठीक है तो आप जो है वो एर्थ ए के ही स्टूडेंट होंगे ठीक है सार्थक रिमेन्स द स्टूडेंट ऑफ एर्थ ए चाहे हम उसको कहीं भी बैठा लें उस रूम में क्लासरूम ठीक है व्योम स्टूडेंट होगा एर्थ ए का सौम्य स्टूडेंट होगी एर्थ ए की ही ठीक है अनटिल एंड अनलेस हम इनको उठा करके कहां ना ट्रांसफर कर दें बी सेक्शन में जब हम इनको भेज देंगे बैठाल देंगे तब हम इनको बोलेंगे कि दे आर द स्टूडेंट ऑफ एर्थ बी उस समय उनका सेक्शन चेंज हुआ सेम टू सेम इक्वल के एक साइड में हम नंबर को कहीं भी लिखें ठीक है उनका साइन चेंज नहीं होता बात आ रही समझ में आपको ठीक है साइन कब चेंज होता है जब हम इक्वल के साइड चेंज कर माने उसके हम राइट से लेफ्ट ले जाएंगे लेफ्ट से राइट लाएंगे तब हम साइन चेंज करते हैं अभी हमने केवल इनको एडजस्ट किया है तो हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लगाया कम्यूटेटिव तो आपने साइड में देखी उसने लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये क्यों कैसे हुआ पॉसिबल तो उसने लिखा है बाय कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिविटी ठीक है ये कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं कि आइदर ए प्लस बी या बी प्लस ए प्लेस चेंज करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है क्लियर है ओके आप देखिए नेक्स्ट उसने क्या किया हुआ है यहां पर अभी आप यहां पर देखिए अब हम 3/7 इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है एंड 3/7 इज इन द सेकेंड एक्सप्रेशन ऑल्सो केवल एक ही डिफरेंस आ रहा है यहां पर 3/7 हम इनको या तो एक ही पोजीशन पे ले आए या एक पोजीशन पर नहीं लाना तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं कॉमन लेते बनता है ना आपसे ठीक है वी कैन सर आई हैव अ डाउट सर बट वन इज -3/7 एंड अनदर वन इज 3/7 हां वेरी गुड 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 डाउट मगर हम उसको इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे बुक ने लिखा है उसको प्लस करके माइनस लिख लिया या आप माइनस भी लिखा रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा हम 3/7 कॉमन ले लेंगे चलिए आपके डाउट के लिए हम एक स्टेप और लिख देते 2/5 × -3/7 इसको प्लस कर लेते हैं एंड माइनस ये 3/7 × 3/5 इस माइनस को इसके साथ कर दिया ठीक है −1/14 ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं है अब दोनों माइनस हो गए 3/7 यस सर ओके नाउ वी कैन राइट कॉमन अगर कहीं ऐसा लिखा अभी व्योम ने लिख के दिखाया था देखिए कहीं अगर लिखा a × b + a × c हम इसको कितना लिख सकते हैं सर ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी तो वही चीज हमारे पास में ये देखिए ये लिखा हुआ है ये यहाँ पर वैसे ही कंडीशन लिखी है 2/5 × -3/7 एंड −3/7 × 3/5 तो −3/7 कॉमन है तो हम इसको बाहर लिख देते हैं जो दो बार रिपीट हुआ ना दोनों में तो वी कैन राइट इट आउटसाइड −3/7 अब इन हाँ सर मैं बता सकता हूँ −3/7 × 2/5 × 3/5 − 1/14 वेरी गुड तो देखिए −3/7 कॉमन लिया तो अब अंदर कितना बचेगा इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट में देखिए ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में से −3/7 निकल गया तो कितना 2/5 और फिर आएगा प्लस साइन −3/7 हम निकाल चुके हैं तो यहाँ बचेगा 3/5 और ये −1/14 अलग है इसमें कोई
कॉमन नहीं था, ये सेपरेट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है भाई सबको? हाँ? Yes, तो ये किस रूल से हुआ? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ सर, बोलो सर, हमने 2/5 और 3/5 को प्लस क्यों कर दिया? बेटा ये हमने देखिए, ये ऊपर रूल लिखा है, ये इधर पे a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इज कॉमन इन बोथ द एक्सप्रेशन। जो जो कॉमन होता है उसको हमने ये बाहर लिख लिया इक्वल के इधर पर, इंटू अब ब्रैकेट लगाया तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में कितना बच रहा है, b, तो हमने b लिख लिया, फिर प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन लगाया, और क्या बच रहा, c बच रहा, हमने c लिख लिया, इसलिए हमने b प्लस c लिखा। सेम प्रोसेस हमने यहां पर किया है बेटा। तो ये यहां पर -3/7 इज कॉमन, तो हमने इसको आउटसाइड लिखा, इंटू इन साइड द ब्रैकेट ये बचा 2/5, फिर प्लस 3/5, और ये -1/14 तो है, ये अभी भी नहीं आया समझ में? डाउट सर, वो डाउट इसलिए हो रहा था क्योंकि वो -2/5 के बाद मल्टीप्लाई था और 3/5 के पहले मल्टीप्लाई था। चलिए अब आ गया समझ में? ओके यस सर। तो अब हम देखते हैं -3/7 इंटू, अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, सिंपलीफाई करिए, एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/5 का एलसीएम 5, 1 ये 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 होगा, और ये 5/5 1, और ये 3 आएगा -1/14, तो ये हो जाएगा -3/7 इंटू, ये हो जाएगा कितना, 3+2 5। ठीक है, देखो नंबर सही लिख। हाँ कह सकते हैं 1। हाँ अभी नहीं, जब हम कैंसिल करेंगे तब लिखेंगे उसे। तो ये हो जाएगा कितना, इस तरीके से ये होगा, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब ये हम कैंसिल कर देंगे तो 1, तो बचेगा -3/7 इंटू 1, तो -3/7 लिख सकते हैं। चलो नहीं आता समझ में तो लिख देते हैं, हम जरा जगह कम है इसलिए हम इसको यहीं पर लिख रहे हैं। हाँ आप कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि नहीं तो मेरा पेज पूरा टर्न हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम उसको, तो ये हो जाएगा -3/7 इंटू 1 -3/7 -1/14, एलसीएम ले लीजिए अब 3/7, 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 14 डिवाइडेड बाय 7, 6/14, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो -6, -14 डिवाइडेड बाय 14 1, तो -1, तो ये हो जाएगा -6 एंड -1 इज -7 7/14, 7 बन जा 7, 7 2s are 14, तो दिस इज -1/2। तो ये देखिए इस तरीके से आपको करना, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, सर आ गया। ओके सर आ गया। अगर ये समझ में आया है देन नोट किया कि केवल बैठे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट तो नहीं किया? नोट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट तो नहीं लेते हैं आप लोग, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं करते कि पिलो लगाए पीछे बैठे हैं और आराम से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि कौन लिखे, ऐसा मत करना, नहीं तो नंबर डब्बा हो जाएंगे। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। चलिए अपन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से एक क्वेश्चन इसका अपन करें फिर आगे चलेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, अभी जो मैंने मेथड बताई है उसी उससे करना है आपको सॉल्व। देखिए -2/3 इंटू 3/5 प्लस, सॉरी एक्सरसाइज 1.1 है। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा, लोकेश हो क्या? सर वो मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आपने पहले वो 1.1 में कुछ कराया था, मुझे लगा कि 1.1 पूरी हो चुकी है। नहीं बेटा,
ये क्वेश्चन नहीं कराया था 1/6। क्या नाम है आपका? लोकेश। यस सर। ओके ठीक है लोकेश, देखिए अब इसको करेंगे तो उसी मेथड से जो अभी मैंने आपको बताया है। पहले ये देखिए, विच टू एक्सप्रेशन वी कैन राइट टूगेदर साइड बाई साइड? माइनस 2/3 इंटू 3/5, माइनस 3/5 इंटू 1/6। अच्छा आप लोग करेंगे कि मुझे करना है? आप लोग खुद करिए अपने कॉपी में है। 2/3 × 3/5 साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ये यहां साइड में रूल लिखिए, बाय कम्यूटेटिव लॉ। ओके विच नंबर इज कॉमन? 3/5। हाँ तो साइन का बहुत ध्यान रखना है, तो इधर आप रूल लिख लीजिए आपको समझने के लिए, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, वॉट वी कैन राइट इट? a इंटू माइनस a इंटू माइनस b प्लस माइनस c, a इंटू बी माइनस बी माइनस सी। तो हम कॉमन क्या लेने जा रहे हैं? 3/5 साइन का, वेरी अटेंटिव रिगार्डिंग द साइन। तो 3/5 इज कॉमन, तो इनसाइड द ब्रैकेट अग्रिमा मिश्रा क्या बचेगा? अग्रिमा यस सर, माइनस 2/3 इंटू 1/6 इंटू, नो सर, माइनस माइनस 1/6 माइनस। गिव प्रॉपर अटेंशन भाई, तो देखिये 3/5 ऑलरेडी कॉमन, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो बेटा इधर पर, फर्स्ट एक्सप्रेशन में बचेगा ये माइनस 2/3 और ये 3/5 कॉमन निकल गया, तो इधर बचेगा माइनस 1/6 माइनस 1/6 प्लस 5/2। ठीक है बेटा, ओके हाँ। सर यहाँ पे आपने 3 को 3/5 माइनस 3/5 को कॉमन किया है ना? नहीं हमने ओनली 3/5 प्लस 3/5 कॉमन लिया बेटा। तो ये देखिए माइनस 2/3 एज इट इज है और ये माइनस साइन भी रहेगा और 1/6 एज इट इज है। सर हम माइनस वाले को भी ले सकते हैं, माइनस 3/5 को कॉमन? हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। सर माइनस 3/5 के बाद का मल्टीप्लिकेशन कहाँ गया? कौन सा? उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो निकल गया, तो जो नंबर बचा उसमें तो वो जब निकल गया तो वहां वन बचेगा ना कहीं से। हम भाई अगर कोई चीज हमने यहाँ से मल्टीप्लाई में बाहर ले दी तो वहां वन वन बचेगा, तो उसको लिखने 3/5 चला गया तो यहाँ 1 × 1/6 तो वो 1/6 ही बचेगा। सर अब नेक्स्ट स्टेप होगा 3/5। हाँ 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 वेट 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 लोकेश वेट वेट है ना, वेट करते हैं अपन क्लास के साथ करेंगे। तो ये हो गया, अब हाउ टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन बाय टेकिंग एलसीएम 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 ऑफ 3 and 6 इज 6 6 डिवाइडेड बाय 3 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 तो माइनस 4 4 ये माइनस 4 6 डिवाइडेड बाय 6 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1/6 प्लस 5/2। यस अनुमेगा बोलिए नेक्स्ट स्टेप। 3/5 × 3/5 सर अब 6 and 2 का एलसीएम, पहले हम लिखेंगे माइनस 5/6 प्लस 5/2 5/6 प्लस 5/2। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू? एलसीएम ऑफ 6 and 12 2। पहले हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, देखिए ये 5 1 जा 5
ये कैंसिल हुआ और थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, ठीक है। तो कितना एसोसिएटिव लॉ आपने लिखा नहीं, यहाँ पर साइड में लिखिए नाम, यहाँ पर देखिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट राइट सर, डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहां हो जाएगा कितना बच रहा है, चलिए लोकेश नॉट लोकेश सौम्या मिश्रा, यस सर, बताइए कितना बचेगा यहाँ पर इसके कैंसिल करने के बाद में, 20/6। अरे ये हमने 5 से 5 कैंसिल किया, 3 से 6 को कैंसिल किया, तो कितना बच रहा है यहाँ पर, ये न्यूमरेटर में कितना आएगा, 3, 1 into -1, तो कितना लिखेंगे हम उसको न्यूमरेटर का। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, आयान 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 बताओ सर, -1/2 प्लस 5/2, हाँ वेरी गुड, आयान ने -1/2 बोला, दिस इज करेक्ट आंसर, बिकॉज देखिए न्यूमरेटर में 3 into -1 into -1, तो ये माइनस वन हो जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन 1 into 2 प्लस 5/2। नाउ टेकिंग एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम, 2 2 डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस 1 प्लस 5, तो माइनस 1 प्लस जिससे बोलेंगे वही बताएगा। चलो कंग ये न्यू लड़की आई है हमारी भार्गवी, भार्गवी यस सर, हाँ बताओ बेटा -1 + 5 कितना होगा, सो -1 + 5, हाँ ये बोर्ड पर दिख रहा है ना, लास्ट स्टेप सर 4 प्लस 4 माइनस प्लस 4 और माइनस 4 श्योर प्लस 4 Yes, sir, sure. 4/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2 आ जाएगा, this is the answer. Sir? हाँ बेटा. Sir, हम ऐसे कर सकते हैं, वो जो step थी -3/5, मतलब 3/5 फिर (5/6 + 5/2) उसे 3/5 × 5 + 15/6 मतलब LCM लेके कर सकते हैं, माने आप 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करके -15/30 लिखेंगी, ऐसा बोल रही हैं? यस सर, है ना, हाँ तो 15/6 मगर कैंसिल कर लीजिए, सिंपलीफाई करके फिर कर लीजिए, हालांकि जो आप बाद में हम कर सकते हैं उसका आंसर ही मेरा सही आ रहा है, हाँ हाँ कर सकते हैं, गलत नहीं है, मगर यदि कैंसिल कर लोगी तो भी अच्छा है, ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आप करेंगे, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एडिटिव इनवर्स हमने आपको बताया था, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। चलिए मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, सब लोग इसका एडिटिव इनवर्स बताएंगे मुझको, ठीक है, हाँ सबको पता है ना एडिटिव इनवर्स का मीनिंग, तो कोई को डाउट नहीं है ना, नो सर, ओके ओके, तो हम आई विल राइट इट वन, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वन, कैन आई टेल, नो सबको अपना इंडिविजुअल करना है, मैं जिससे बोलूंगा वो अनम्यूट होगा वो बताएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वन, नोट कर लिया क्वेश्चन ना,
चलिए देखें जरा किसने किया। पूछता हूँ आरुष, आरुष आर यू देयर इन द क्लास और नॉट? आरुष आरुष यस सर, कहाँ थे इतनी देर से? मैं चार बार आपको कॉल किया। हाँ बताइए, व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द आंसर? सर मेरा नेटवर्क एक बार चला गया, तो आप मुझे एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ, ये 3/6 + 1/2 डिवाइडेड बाय 5/4, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वन। चलिए जब तक मैं दूसरे नोट कर लिया आपने आरुष। यस सर, आप करिए। हाँ मैं अभी आपसे पूछता हूँ। चलिए ये बताएंगे, कैथरीन, कैथरीन, कैथरीन है क्लास में? कैथरीन शी इज नॉट इन द क्लास? यस सर। ओके चलिए तो इसको बताइए, अर्पिता, अर्पिता से तो पूछ चुका हूं, नहीं अर्पिता नहीं, योगिता, 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 यस सर। बताइए बेटा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स इसका, द एक्सप्रेशन विच इज रिटन ऑन द बोर्ड। नहीं पता अर्पिता? ओके छोड़िए, देन एरा, so it will take some time, just give me 2 minutes. No, you tell me the method, you tell me the method how to find, then I can understand ki whether you are able to solve or not. How to find? So we have to just converse it, because they are in a positive way, so just we have to do it in negative way. So there is 3/6, it is converted into -3/6, then no. Wrong. Next, chaliye, Anumega. Yes, sir. Sir, first we have to add 3/6 + 1/2, so the answer will be 9/6. If we simplify that, it will be 3/2 divided okay, by. Okay, wait. Aditya Sharma. Whether Anumega is correct or not, what the method is correct or not? So can you repeat? Vyom. The method is correct, but the calculation is wrong. No, method. I am asking only the method. ठीक है, calculation तो अपन भी कर लेंगे। हाँ ठीक है। तो method ये है कि एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू सिंप्लीफाई टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इज 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 6/2, 3, तो डिवाइडेड बाय 5/4, तो ये कितना हो जाएगा, 6/6 डिवाइडेड बाय 5/4, 6/6 can be written as what? One. Division is change into multiplication. तो जब division multiplication में change होगा तो number उसके बाद वाला क्या होता है? Reciprocal. 4/5. तो 1 × 4/5 = 4/5. तो additive inverse of 4/5 कितना हो जाएगा? -4/5.
माइनस फोर बाय फाइव तो ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स माइनस फोर बाय फाइव. ये एडिटिव इनवर्स किसका आया है? ये जो हमारा एग्जैक्ट ओरिजिनल क्वेश्चन था, जो ये पूरा जो लिखा हुआ था इसका आया. तो क्या, तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो केवल आपसे इतना सा इजी पूछेगा कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7, तो आपने लिख दिया माइनस 5/7. नो, वो इस तरीके से देगा. आया समझ में? यस सर. ओके, है ना, तो पूरा सिंपलीफाई करके करना है फिर. हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड. तो इसके आप करेंगे सेकंड के कि राइट द एडिटिव इनवर्स 2/8. तो आप पूरा लिखेंगे इसमें क्या कि एडिटिव, मैंने उस दिन भी बताया था क्या, बता चुका हूं. यस सर. हाँ तो पूरा लिख के करना है. एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज माइनस 2/8. फिर रीजन देना है, बिकॉज 2/8 प्लस माइनस 2/8 इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई. ऐसा लिखना है आपको. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करिए बेटा. हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज वेरीफाई दैट. तो हम इसको वेरीफाई करना है. किसको वेरीफाई करना है? माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स. किसके लिए वेरीफाई करना है? जब नंबर है आपके पास में फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 13/17. तो हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे. तो हम वेरीफाई करने के लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पहले. लेफ्ट हैंड साइड कितना है? माइनस ऑफ माइनस एक्स. अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करिए, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 13/17. सर 15. हाँ 15, 13/11/15. अरे भाई मैं उसका बी पार्ट कर रहा हूँ बेटा, उसका सेकंड माइनस 13/17 वाला. हाँ उसी में साइड में दो दिए ना क्वेश्चन, तो हमने ये पुट किया. तो देखिए बहुत ध्यान से रखिए, माइनस और फिर ये माइनस. अब एक्स की जगह हम ये रखेंगे माइनस 13/17. तो देखिए क्या हो जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस इनटू माइनस प्लस 13/17. तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा आपके पास में, ये माइनस माइनस 13/17 आ रहा है. ठीक है, ये आया राइट हैंड, और आपका राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड कितना है एक्स, इसमें रख दीजिए पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 13/17. तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, माइनस 13/17. तो ये क्या शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल. हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड. हाँ आया समझ में कि नहीं आया भाई? ठीक है बच्चों. ओके देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है? टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 1/2. तो यहां पर देखिए इसका फोर्थ पार्ट अपन लेकर के चलते हैं. फोर्थ मैं बता दूं आपको इसका, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो माइनस 5/8 इंटू माइनस 3/7. तो अब इसको भी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिया था ना वैसे ही करना. फर्स्ट यू सिंप्लीफाई इट, इसके इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे. कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या? नो सर. नहीं तो 5 3 15 अपॉन 8 7 56. ठीक है, देयर फोर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
is minus 50 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ना, तो ये तो पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 56 अपॉन 15, ठीक है, आया समझ में? तो इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैं आपकी कॉपी मंगाऊंगा व्हाट्सएप पर ही, ध्यान रखना। यस सर। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो मैं करा चुका हूँ सर। हाँ सर, ये एक्सरसाइज किसमें लिखना है, क्लास वर्क में या फिर होमवर्क में? बेटा जो अभी आप क्लास वर्क में करें, जब घर पर पूरे होमवर्क में करेंगे पूरी एक्सरसाइज, ठीक है? अभी जब मैं करा रहा हूँ ये, आप क्लास वर्क में नोट, पहले भी बता चुका हूँ मैं। चलिए, नेम द प्रॉपर्टी अंडर, कौन सी प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखना है। तो फर्स्ट वाली कौन सी है, माइनस फोर बाय फाइव इंटू वन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ओके है ना, इसको कोई कम्यूटेटिव मत बोल देना, ठीक है? सेकंड वाली कौन सी है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड, रुको, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा, राम 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 राम, नहीं है राम सर, मैं थर्ड बताऊं? अरे भाई रुको, तो मैं राम से पूछ रहा हूँ। सार्थक, यस सर, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है ये? सेकंड वन ना, थर्ड सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा मल्टीप्ल, क्या भाई सही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? यस सर। ओके, यस सर, ठीक है, मल्टी, तो यह प्रॉपर्टीज लिखेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, मल्टीप्लाई सिक्स बाय थर्टीन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस सेवन बाय सिक्सटीन। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, लिखकर, आपको लिखकर करना है। पहले आप बताएंगे रेसिप्रोकल ऑफ माइनस सेवन बाय सिक्सटीन ऑफ माइनस सेवन बाय सिक्सटीन कितना हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन बाय सेवन, माइनस सिक्सटीन बाय, always always write the expression in the standard form, minus should be in the numerator, okay, therefore you have to multiply 6 by 13 ko multiply karna hai minus 6 iske reciprocal se, to bataiye, ha minus sir, agar reciprocal mein numerator aur denominator wo exchange ho jaye to minus wahi pe rahega, नहीं हरदम न्यूमरेटर में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है? हाँ, तो ये कुछ कैंसिल होंगे क्या इसमें से? नो सर, कुछ नहीं, तो सर, कितना हो जाएगा, 16 सिक्स जा माइनस 96 एंड 13 सेवन जा 91। सुनिए, टेबल सब लोग याद करके रखेंगे, मैं किसी भी दिन पूछूंगा, ठीक है? अभी मैं आपसे पूछूंगा 14 तक की टेबल, कल की क्लास में, किसी से भी मैं माइक अनम्यूट करूंगा, पहले कैमरा ऑन करवाऊंगा और फिर आप बोलेंगे टेबल, याद कर लेना कल, ठीक है? 14 तक की टेबल, फिर उसके बाद पूरी सबसे बनती है ना 20 तक। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ, टेबल बनना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, और दो पांच मिनट और लूंगा भी क्लास। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस वन सर, कम्यूटेटिव, देखते समझते नहीं हो, बस बोलना शुरू कर देते हो। कौन बोल रहा है ये कम्यूटेटिव? एसोसिएटिव, लोकेश, कुछ भी क्वेश्चन देखो, तो वही क्वेश्चन तो देखो, क्या लिखा हुआ है, वन बाय थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर बाय थ्री एज वन बाय थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर बाय थ्री, तो बस ये वाला पढ़ा है ना, ए इंटू बी इंटू सी,
इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव. तो ऊपर भी एसोसिएटिव ही लग रहा है, ढंग से देख कर बोलो भाई. क्वेश्चन नंबर 8 इज 8 बाय 9 इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 राइट 1 बाय 8? नो सर. नो सर. नो सर. इज 8 बाय 9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय. राम आए लौट के क्या पानी पीकर, कि पानी ही पी रहे हैं? राम नहीं लौट पाए. अच्छा ये तो बड़े कलाकार हैं भाई. हाँ आरुष कनेक्शन आ गया आपका? यस सर. ओके आरुष टेल मी द एर्थ वन इज 8 बाय 9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 राइट 1 बाय 8? सर फर्स्ट वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द सर डिनोमिनेटर व्हाट फॉर्म द इंप्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ दैट. सो माइनस 1 1 1 बाय 8 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इनटू 8 व्हिच विल बी माइनस 8 प्लस. इसको कितना लिखेंगे आरुष? माइनस 1 राइट 1 बाय 8 दैट कैन दिस इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 8. देख चलो माइनस 9 बाय 8 क्यों भाई ये सही है? माइनस 9 बाय 8? यस सर. यस सर. यस. तो ये क्या माइनस 9 बाई 8 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 8 बाई 9? नो सर. नो सर. बिकॉज द साइन साइन इज चेंज. तो आप लिखेंगे नो 8 बाई 9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स of minus 1 right 1 by 8 that is minus 9 by 8 because 8 by 9 into minus 9 by 8 is not equal to plus 1. ये 1 आना चाहिए ना, ये कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, मगर आएगा कितना? ये minus 1. Minus 1. है ना? Hence it is, तो ये रीजन देना पड़ेगा आपको क्योंकि ये अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस वन होना चाहिए. ओके सो ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट. 10th एंड 11th आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है? यस सर. यस सर. तो यू कंप्लीट, कल टेबल देखूंगा आपसे 14 तक की सबसे, और ये एक्सरसाइज का पेज ओपन करवाऊंगा. ध्यान रखना सारे लोग. ओके बाय साई राम. साई राम सर. थैंक यू सर. 24 साई राम बेटा. साई लीव द क्लास एंड ज्वाइन अनदर क्लास.